Hello everybody. Hello dead body. अरे 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 मिस्टर जो बाइडन, आप और साथ आपकी वैक्सीन और ये मैडम, आप लोग यहाँ पाकिस्तान में कौन है लच्छो बांधरी? तुसी समझ रहे होगे कि मैं थानू इत्थे इमदाद देण आया जी? एब्सोल्युटली नॉट। ओ है क्योंकि टगे दा थोड़ा मुंह नहीं ते करोड़ा डॉलर तुसी पहले ले चुके हो। इत्थे ते तुसी वैसे आपस दी गल है। हां वाइड नहीं लगे बट जी पहले मैं थानू अपनी टीम दा तारफ करवा दिया। ए देखो एवे मेरी साली, यानी सुपर पावर दी साली, सुपर साली अद्धे सिर दर्द वाली। आओ मैं ते शरकपुर रोड तो अद्धे सिर दा दम भी कराना है ते ऐ वे मेरा साला प्यार नाल कह लो गंदा नाला। ये अपना जो बाइडन साहब ना ये शक्ल नहीं मिलती और असल चेना दे अम्मी अबू दिया में नहीं सी मिलती। ऐ हाफ कास्ट है ते ऐ अमेरिकन खोरी है। एक्सक्यूज मी, हमारे जीजू जब भी कहीं दौरे पर जाते हैं तो मिर्गी के दौरे पर ही जाते हैं। एक्चुअली भट जी तुसी समझो कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अच्छा मैं मेरी सुपर साली ते मेरा सुपर खाला असी एनजी आया जिमें एक बार इस खिते ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी। असी समझते रहे शो ते कब्जा कर लिया क्योंकि गुल्लू बादशाह इत्थे खल्ला नहीं। गुल्लू बादशाह जी इत्थे तुहाडे नाल कोई भी हैंकी पैंकी करेगा ते असी ओदा ओही हशर करांगे जेड़ा जॉन सेना ने बटिस्टा दा कीता है। जो बाइडन सर प्लीज वो जो आपने हैंकी पैंकी किया एक दफा फिर से। वैसे तो मैं 10 रुपए लेना दूजी बारी करन दे हैंकी फैंकी थोड़े ना कोई नहीं कर सकता। अल्लाह झूठ ना बुलाया जो बाइडन जेड़ा ना नौरा फतेह दा पुत्र लगा ही बकवास कर रहे। मैं ए वाला स्टेप की था। अच्छा इन्हां नाल जरा आराम ना बोलना ये मैं बच्चे खड़ाए नहीं। ये मेरा बड़ा बच्चा है और मेरा छोटा बच्चा है और किसी गैंडे का बच्चा है। एक्चुअली जीजू ना 31 दिसंबर का वो वाला फायरवर्क देखने आए थे जो बिजली और गैस की तवील बंदिश के बाद टायर जलाकर पीपल करता है। एक्चुअली असल असी 31 नाइट में थे वन व्हीलिंग देखना आए सा। वन व्हीलिंग यस नहर थे अगला पहिया चौक के बम बम। ओके यू नो वन व्हीलिंग फिटे मुँह कूड़ी लगा। असल जैसी ओ वेखना ऐसा क्योंकि जैसी वन व्हीलिंग अल्लाह मैनू माफ करे छौबा छौबा लॉर्च होंदी है एहो जी वन व्हीलिंग ते जेम्स कैमरॉन अपनी फिल्मां च भी नहीं करवांदा। हां जेड़ा तो जेम्स कैमरॉन की करदा फिल्मां च करवांदा है। हां वाह वाह तुसी मैनू एज ए टोल वाला नाल ही रख लवो। जो बाइडन साहब ये एड़ा तुसी ए कर दियो। हां जी ये किसना मतलब कि चलो मैं ते कर लिया उधर ते लगा पूरी चिबुरजी घूम गई है। एक्चुअली भट जी असी जड़ा नीची थोड़ा है ना अपने गुल्लू बादशाह दी दावत ते आए हैं लाहौर दे खाबे खान दसदा क्यों नहीं हो छोटे गोश्त दी वैड़ हुंदी है। नहीं तो बताएं कैसे खिदमत करें आपकी भाई इस किस्म की खिदमत छौबा अल्लाह मैनू माफ करे सानू ले जांदे ने एक ऐसी जगह ते जिथे सैंकड़ा देगा पक रही ने। अच्छा उथे चुप करके आप खांदे ने साडा छापर च पवांदे ने ते बिल भी पे नहीं करदे। ले एनु दाता साहब जाके लंगर को आंदा पे ओए जो बाइडन भी उथे देगा के धमाला पांदा रहंदा। वाकई होई है मेरे ना मैं आधा घंटा संभाल पाई बाद चो पता लगा वो खाली देंगे। गुल बादशाह बहुत बड़ा आदमी है हमें वलीमे पे भी खाना खिलाता है और मेले पे भी ले जाता है और बहुत से होटलों में खाना खिलाता है यहाँ तक कि खतनों पे भी हमें खाना खिला देता है। एक्चुअली बट साढ़े वास्ते गुल बादशाह बड़े लेविश किस्म के इवेंट करवा रहे हैं। अच्छा और यस असी हुण कल जाना है एक खुला लंच है। अच्छा उस तो बाद तलाक डिनर से भी जाना तुहाडा बनदा ही तलाक डिनर दा खाना है। ओ यस जो तुहाडा मुंह है तो जो ओदा मुंह है इना आया मैं तो सोचा है उसे व्हाइट हाउस जाके थोड़ी पापी नु तलाक भी देंगे लोगों नु डिनर भी देंगे। बोल तो जो तो करे कटिया फाड़ना खाने ना भी होश नहीं आती। नो जीजू ऐसा मत खींचिएगा। अगर आपने दीदी को तलाक दे दी तो आपकी सुपर साली और ये सुपर साला नहीं रहेंगे। तुम तलाक को भी अलैदगी समझ लेती हो सुपर साली बेनोई होता नहीं हर साइफर भेजने वाला। अपना ही सुपर साली साहिबा आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? नो मैं शादी उससे करूंगी जो शादी से पहले ही सदर बनेगा। ते साडे ना शादी कर साडे महल्ले च कंजमन बनी होदा मैं सदर। हां बात है यार सदर तू होएगा मेनू अंजमन नाल ते मिला। और चार कटिया हुंदे हो किसी ने भी मिल सकती है हुन ते उन्होंने ऐलान भी करते बस तू फिल्म शुरू कर दे मैडम दिहाड़ी बाद रानी 2 या जानवर आम। जरा प्लीज थोड़ा साथ देना